बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। जब तक मैं था मैंने थोड़ी शांति बना के रखी थी, लेकिन क्या मैं तो लोगों को समझा बुझा के प्यार से काम चला रहा था ना, लेकिन मेरे निकलते ही अब वहाँ धड़ाम धड़ूम शुरू हो गया है, मारपीट भी शुरू हो गई है, किसी को चोट लगी रही, किसी को कुछ हो रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, अभी 3-4 हफ्ते बाकी हैं, उसमें कुछ नया टर्न आएगा। लेकिन अनुप रिसेंटली डीजे ने भी आपको वो डिनर पे इनवाइट किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात हुई बिग बॉस को लेकर और करणवीर के बारे में? देखिए करणवीर जो है वो 4 साल का था जब से मैं उसे जानता हूँ, हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते थे, तो उनके पिताजी मेरे दोस्त हैं, तो मेरा मन था कि मैं टीजे को मिलूं, टीजे को बताऊं कि वहाँ क्या क्या हो रहा है, वो भी बहुत जानना चाहती थी, तो मैंने उसे सब बताया और वो भी कह रही थी जहाँ जहाँ केवी की कुछ कमियाँ हैं वो भी बता रही थी, मैं भी उनको बता रहा था। तो अब लगता है कि केवी पहले से थोड़ा अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे आगे, और जो अच्छा करेगा वो जीतेगा, क्या पता जसलीन भी जीत सकती है। देखिए मुझे अभी तो रोमिल लग रहा है, अब आगे पता नहीं, श्री भी आ सकता है, दीपक भी आ सकता है, दीपिका भी आ सकती है, जसलीन भी आ सकती है, जो जो रुके हैं वो सब आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे रोमिल लगता है। ओके सर, डीजे ने कहा था कि पर्सनली बहुत बुरी किया जा रहा है करणवीर को लेकर, सलमान खान भी बहुत उनको लेकर उन्होंने पर्सनल लेटर भी लिखा सलमान खान को लेकर, तो आपका क्या मानना है, आप सही मानते हैं? मुझे क्या लगता है कि क्योंकि केवी और सलमान काफ़ी क्लोज़ हैं, वो पहले से ही एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि लोगों को लिबर्टी मिल जाती है कि हम तो इसको जानते ही, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो उनके फ़ैन होते हैं, केवी के जो फ़ैन हैं, वो कहीं कहीं उनको बुरा लग सकता है और उनकी वाइफ को भी बुरा लग सकता है, तो इसीलिए उन्होंने लेटर लिखा सलमान को। लेकिन ये बहुत सही है कि जब आपस में जान पहचान अच्छी हो तो इंसान थोड़ी लिबर्टी ले लेता है।